दिए की मेकिंग देख लो भाई, किस तरीके से बनते हैं भाई, किस प्रकार से बनते हैं। मट्टी को छान रहे हैं भाई। अच्छा। ये एशिया की नंबर वन कॉलोनी आप। और ये चाइनीज वाले जो दिए हैं वाले, चाइनीज नहीं है मेरे भाई, चाइनीज नहीं है मेरे भाई। विदाउट कलर जो दिए हैं ये 2.5 रुपए का पीस है। ₹2.5 पीस है। पूरा सेट जो है 100 रुपए का है। हाँ। अच्छा, ये 25 रुपए का, 25 रुपए पीस है ये। 40 रुपए का सिंगल है, 80 रुपए का जोड़ा है भाई। ये देखो, ये 70 रुपए का, ये 70 का है, और वो 80 रुपए का भाई। देख लो कितना भाई। सभी को राम राम, जय श्री राम। तो वेलकम बैक टू माई चैनल दीपक दिल्ली से। आज आपको लेके आ गया हूँ कुम्हार कॉलोनी में, जो दिल्ली के अंदर उत्तम नगर के एरिया में है। और यहाँ पे देखते हैं दिए की मेकिंग कैसे होती है। एक से एक दिए दिखाने वाला हूँ, प्राइस बताने वाला हूँ। तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहना, वीडियो को स्किप मत करना। वीडियो में नए हो तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का जरूर दबाएं। चलो आओ देखते हैं मार्केट। तो भाई देखते हैं अंदर कैसे क्या क्या होने वाला है, और कौन कहाँ पर जो है सबके घरों में देखते हैं एक बार। कुम्हार कॉलोनी में घर घर के अंदर दिए भी बनाते हैं। देखते हैं यहाँ पर कौन कौन कैसे कैसे किस किस टाइप से बना रहा है। देखो दोस्तों, मिट्टी के दिए बनाने के लिए देखो कितनी सारी मिट्टी का उपयोग हो जा रहा है। इसको शायद चिकनी मिट्टी कहते हैं मेरे दोस्त, बाकी तो हमको कंफर्म नहीं पता। एक बार यहाँ पे किसी से बात करेंगे तो पूछेंगे। एक बार देखते हैं भाई, ये देखो अंदर आओ भाई, देखो राइट में लेफ्ट में सारे घरों के अंदर देखो भाई दियो के बनाने का काम चल रहा है। ये देखो मिट्टी मिट्टी देखो भाई, पूरी की पूरी ये हो रहा है भाई अंदर घरों में काम। बहुत सारी जो है इस टाइम मिट्टी आई हुई है, चिकनी मिट्टी शायद कहते हैं। तो किसी से पूछेंगे कि भाई ये मिट्टी कौन सी होती है। और ये देखो भाई दोनों तरफ राइट एंड लेफ्ट पर भाई काम चल रहा है। स्टार्टिंग भी वैसे होती है मिट्टी को छान के, इसमें से आंटी जी भर रही हैं और उसको भी छानेंगे, उसमें बुरा उसमें जाएंगे अभी। ये देख लो भाई प्रोसीजर, बहुत लंबा प्रोसीजर है भाई। आप लोगों को लगता है कि हाँ भाई दिए तो बस ऐसी खरीदारी में बन जाते हैं, लेकिन बहुत लंबा प्रोसीजर होता है। देखो आंटी जी जो कर रही हैं इसको। आंटी जी ये क्या कर रहे हो आप, अंदर मट्टी को छान रहे हो क्या? हाँ, मट्टी को छान रहे हैं भाई। अच्छा जी, उसके बाद जो है प्रोसीजर होगा दिए? हाँ, उसके बाद इसे भिजोएंगे। अच्छा। फिर इसके गोंदे बनाएंगे, फिर गोंदी बनाएंगे, जब चाक पे दिए बनाएंगे। भाई 3 से 5 दिन कम से कम दिए बनाने का प्रोसीजर लगता है भाई। देख लो तुम्हारा समय लाइव है, आ जाओ भाई आगे की वीडियो देखते हैं। भाई ये देखो हमारे भाई जो है भाई मिट्टी को जो है कैसे फेंट रहे हैं उसमें डाल के। तो भैया एक चीज बताना, ये कब तक मतलब कि आपको ये बना के रखनी पड़ती है? एक दिन। एक दिन, तो उसके बाद जैसे इसको दिएगा कार देंगे तो कब तक सूखते हैं? एक दिन में सूख जाता है वो। एक दिन में सूख जाता है। और क्या नाम है, अब तो काफी क्वांटिटी में आप दिए बना रहे होंगे, मतलब की मतलब एक लगभग एक आइडिया बताओ कि रोज कितने बनाए? तो आइडिया 5-6 हजार बन जाते होंगे एक दिन में। बहुत बढ़िया भाई, 5-6 हजार। ये हमारे भाई से एक बार बात करते हैं, ये कुछ बताएंगे। भैया कैसे हो आप? बढ़िया, आप बताओ। बढ़िया जी। ये क्या मतलब कैसे, मतलब क्या प्रोसीजर है मिट्टी ये का? अभी वो मिट्टी उधर पड़ी हुई है ना। हाँ जी, हाँ जी, ट्रॉली में ऐसी आती है हमारे पास। अच्छा जी, ठीक है। छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ेंगे। ओके ओके। उसके बाद इसमें डालेंगे, ठीक है, पानी से भिजोगे। ये क्या चीज है मतलब इसमें? मिट्टी है ये भी। अच्छा ठीक है जी, ये वही मिट्टी है जो इसमें आई थी। ठीक है ठीक है, पानी से ये ऐसी हो जाती है। ठीक है भैया, उसके बाद ये आकार देंगे, इसको गोल करेंगे ऐसे जैसे बना हुआ है। अच्छा ठीक है, उसके बाद ये अंदर लगेगा। अंदर लगेगी, ठीक है जी। फिर इसको हम पैरों से टाइट करेंगे। टाइट करना पड़ता है, टाइट करने करेंगे। ठीक है ठीक है, उसके बाद ये चाक पे जाएगा। अच्छा जी, फिर दीवे का कार मिलेगा। एक छोटा सा प्रोसीजर दिखा सकते हो? हाँ, अंदर होगा, आप चले जाओ। चलो भाई एक बार बगल में ऊपर चले जाओ, एक बार देखते हैं भाई ऊपर और दिए बन रहे हैं, देखते हैं भाई कैसे बनाते हैं। तो भाई चलते हैं एक बार अंदर की तरफ और देखते हैं कहाँ पर है दिए कैसे बनते हैं। इधर लगते हैं आके। अच्छा इधर से मतलब सारे इधर स्टॉक कर लेते हो? हो रहा है, इधर लगेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है, गोंदिया बनती है इधर, ये टाइट करके। आओ एक बार ऊपर दिए की मेकिंग देखते हैं भाई। 4-5 स्टेप इधर ही हो जाते हैं इसके। अच्छा अच्छा अच्छा, आओ भाई ऊपर एक बार देखते हैं दिए की मेकिंग। छोटी छोटी ये मेकिंग हो रही है दिए की, तो देखते हैं भाई कितना बढ़िया बना रहे। तो भैया ये क्या मतलब इसे क्या कैसे प्रोसीजर होता है सर? क्या प्रोसेस है? कुछ नहीं है, वो नीचे 4-5 स्टेप हो गए। हाँ हाँ, अभी लास्ट स्टेप है दीवे बनने का। दीवे बनने का, इधर बूंदी ला के रख दी, इधर चाक पे लगाना है। अच्छा अच्छा, दीवे बनाने तो ये कच्चे होंगे। अच्छा, ये सूखेंगे? ठीक है जी, सूखे होने के बाद ऐसा रंग देंगे इनको। तो ये लाल कलर चढ़ाना पड़ता है? हाँ चढ़ाना पड़ता है। अच्छा जी ठीक है, फिर उसके बाद भट्टी में डालते हैं, पकते हैं, फिर जाते हैं भट्टी में डाल के पकाते हैं भट्टी। अगर आपको 1000 दीवे चाहिए ना, 5 से 6 दिन लेके चलो तो ही मिलेगा। मतलब 1000 दीवे 5-6 दिन लग जाते हैं? आप पूरी भट्टी भरेगी, पकेगा तब मिलेगा। हाँ 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 हाँ, 5-6 दिन लग जाएगा। दिए की मेकिंग देख लो भाई किस तरीके से बनते हैं, भाई किस प्रकार से बनते हैं। 100 दिए कम से कम भी, सॉरी कह रहा हूँ,
हजार दिए कम से कम बनाने में 5 या 6 दिन लग जाते हैं, प्रॉपर फिनिशिंग देने के बाद, पूरा काम खत्म होने के बाद 1000 दिन लग जाते हैं। क्या बोला तूने? 1000 दिन लग जाते हैं, देख लो भाई। तो एक दिन में आप कम से कम कितने दिए बनाए? तो बना लेते हैं 8-7 हजार दिन। एक दिन में 7 हजार के आसपास बन जाते हैं? इतना मतलब कि सुबह से लेके शाम तक लगे रहते हो? 11-12 बजे मतलब पूरा दिन बनाते हो? मतलब पूरा दिन रात लगे रहते हो, क्योंकि दिवाली का सीजन तो वैसे ही बहुत नजदीक है, बिल्कुल ही है ना। एक लमसम इसका एक प्राइस बता सकते हो कम से कम, मतलब इसका कम से कम 1000 दिए का प्राइस क्या होगा? आइडिया अभी फिलहाल है 600 रुपए का, 600 रुपए का कट्टा 1000 दिए होगा। ठीक है भाई, 600 ये नॉर्मल जो दिए होते हैं जो हमारे कुमार भाई हाथों से बनाते हैं, 1000 दिए होगा जो कट्टा होता है वो 600 के आसपास समथिंग बढ़ता है। रेट देखो दोस्तों ऊपर नीचे होता ही रहता है, कोई हो सकता है कि थोड़ा शॉर्टेज हो, कोई फिक्स रेट नहीं है, कभी शॉर्टेज भी हो सकती है, थोड़ा सा प्राइस ऊपर नीचे हो सकता है। तो उत्तम नगर में आप आ सकते हो कुमार कॉलोनी में, और यहाँ पूरा का पूरा जो है दिए होगा बाजार है, तो आप ले सकते हो। तो भाई अब एक थोड़ा सा डेमो दिखाते हैं दिए पकते कैसे हैं, एक और लेके चलते हैं आपको दिए जहाँ पे पक रहे हैं भट्टी के अंदर, और लाइव दिखाते हैं आपको। तो वीडियो में बने रहना, कंटिन्यू आ जाओ। आपको दिखाते हैं भट्टी में दिए कैसे पकते हैं। ये देखो इस साइड देखो भाई, इधर घुमाओ, आ जाओ भाई, ये इधर झुकेगा भाई। ये देखो लाइव डेमो, लकड़ का बुरादा निकल रहा है, ये सीधा जाएगा भैया भट्टी में जाएगा। हाँ भट्टी में जाएगा, अभी बंदा बैठेगा वो भट्टी में डालेगा हाथ से। देखा भाई आपको दिखाते हैं लाइव, ऊपर दिखाओ भाई ऊपर, इसमें दिए पक रहे हैं लाइव, बुरादा जो है डालेंगे भाई इसमें, हाथों से डालते हैं भाई। तो भैया इसमें दिए कैसे, मतलब अंदर डाले हो कैसे डाले हो? अंदर डाले हुए, इसमें बंदा उतरता है बीच में। अच्छा वो डालता है एकदम। अच्छा इसके अंदर मतलब पहले से डाल रखे हैं, तो उसको पकने में आइडिया कितना टाइम लग जाता है? इसको पकड़े में 6-7 घंटे लगते हैं। 6-7 घंटे चाहिए इसको पकाने के लिए, दिए पकाने के लिए। उसके बाद फिर ठंडे होने में टाइम लगता है? पूरा एक दिन लगता है, 24 घंटे भाई, 24 घंटे ठंडे होने में लग जाते हैं। बाद दिए निकालते फिर कट्टों में गिनती करते हैं, कट्टों में लगे हुए भाई इधर देखो कट्टों में आते हैं सारे दिए, फिर कट्टों में एक एक दीवा गिना जाता है 500 एक कट्टे में 500 जाते हैं ना। हाँ। भाई ये देख लो एक कट्टे के अंदर 500 दिए होते हैं, और राइट में देखो पूरी भट्टी का काम चल रहा है इधर, ऊपर देख लो, और ये यहाँ से बुरादा जाता है नीचे भट्टी को गर्म करने के लिए, और ऊपर वहाँ पर जो है बंदा चढ़ता है, अभी तो चढ़ नहीं सकते क्योंकि भट्टी गर्म है, एक बंदा यहाँ चढ़ता है प्रॉपर दिए डालता है इसके अंदर, उसके बाद उतर सकता है इसमें बंदा 5 दिन बाद भाई, दिए पकड़े अगर दोबारा दिए पकाने तो 5 दिन बाद बंदा इसमें उतरेगा, इतना गर्म हो जाता है, मतलब इतना गर्म ठंडा होने का टाइम चाहिए इसको ना। हाँ भाई देख लो बहुत ही ज्यादा, मतलब जो भट्टी गर्म है 5 दिन का इसको टाइम चाहिए कम से कम ठंडा होने के लिए, धूप का माहौल है बताओ इसमें, और इतनी गर्मी में भाई नहीं है यार, इससे भी ज्यादा धूप होती तब हम काम करते हैं धूप में पकाते हैं भाई। अप्रिशिएट है भाई आप लोगों को, इतना मेहनत करते हो भाई आप लोग, थैंक यू भैया, बहुत अच्छा लगा यार आपसे मिलके, बहुत ही अच्छा लगा, देख लो भाई इनकी मेहनत। तो भाई इसलिए थोड़ा बहुत जो है रेट ऊपर नीचे होते हैं, तो कर लिया करो एडजस्टमेंट भाई लोग, रेट की बात देखा करो कि भाई इनकी मेहनत देखा करो, सबसे बड़ी मेहनत इनकी बहुत बड़ी चीज होती है भाई। ठीक है भाई आगे के आपको दिखाते हैं दिए एक से एक पूरी मार्केट में, तो चलते हैं। ये एशिया की नंबर 1 कॉलोनी, आप किसी को कुछ भी आइटम चाहिए आपको मिट्टी का वो मिलेगा इस कॉलोनी में आगे भाई, एक से एक इस कॉलोनी में बहुत अच्छे अच्छे आइटम है, आपको भी चलते हैं आगे दिखाते हैं, एक से एक लोगों ने कलाकृति की हुई है। और अगर आपको किसी को भी दिए चाहिए हो कुमार कॉलोनी आ सकता है, और भाई एक से एक अपनी चाहिए ले सकता है। और भैया अगर यहाँ पे आना हो तो मतलब फुल एड्रेस थोड़ा सा, फुल एड्रेस उत्तम नगर ईस्ट, ईस्ट पे आगे किसी से भी पूछ लेना भाई हमें उत्तम नगर कुमार कॉलोनी जाना है, अपने आप बता देगा। कुमार कॉलोनी भाई यहाँ पूरी फेमस है, पूरे एशिया की समझ लो फेमस मार्केट है ये कुमार कॉलोनी, तो यहाँ वालों आ सकते हो और दिए ले सकते हो। तो देख लो भाई एक एक चीज जो है घर के अंदर बनी हुई है, और आपको दिखाते हैं यहाँ पे थोड़ी सी हल्की सी आगे जाके मार्केट बना रखी है, पूरी मार्केट बनाई हुई है भाई दियो की, एशिया की सबसे बड़ी मार्केट और सबसे नंबर 1 मार्केट है कॉलोनी में, जिसको हम कहते हैं कुम्हार कॉलोनी, उत्तम नगर ईस्ट के आगे जो है तार फैक्ट्री है वहाँ पे पड़ती है कुम्हार कॉलोनी। अब देखना भाई सारी की सारी मार्केट चल पड़ेगी आगे, यहाँ जैसे हमने आपको मेकिंग दिखाई दिए कहाँ बन रहे घरों में, और इससे बाहर निकलते ही जो है राइट में और लेफ्ट में सारी की सारी मार्केट है दियो की, जहाँ पर जो है दिए लगते हैं। हम दिखाते हैं आपको राइट एंड साइड पर, देखो मार्केट राइट में भी है दोस्तों, लेफ्ट में भी है, दोनों तरफ एक और मार्केट पर नज़र डालो भाई। ये देखो भाई
दिवाली नज़दीक है बहुत ज़्यादा और दियो की मेकिंग शुरू हो चुकी है और फैंसी फैंसी दिए लग चुके हैं मार्केट के अंदर। एक से एक जो है यहाँ पे छोटे छोटे डेकोरेटिव आइटम भी लगे हुए हैं, छोटे से छोटे डेकोरेटिव आइटम, छोटे छोटे दिए, फैंसी दिए, कलर चढ़ा रखे हैं वो वाले दिए। ये देखो इधर बहुत सारे दिए लगे हुए हैं, देखो एक से एक दिए लगे हुए हैं भाई। यहाँ दिखाते हैं, किसी से करते हैं थोड़ी सी बात। ₹1000 से हो जाती है नीचे वाले जो डाई के हैं विदाउट कलर। अच्छा भाई, ये विदाउट कलर जो दिए हैं, इधर आओ भाई, विदाउट कलर जो दिए हैं ये ₹2.5 का पीस है, ₹2.5 पीस है। और भाई जो ये कलर वाला पीस है ना, ये कलर वाला वाले ये ₹3 का पीस, ₹3 पीस है। ये देखो भाई, और ये ₹4 वाले, ये भाई ये है ₹4 का पीस, ₹4 वाला पीस। ये देख लो, और ये 15 वाले, ये दोनों 15 वाले हैं। हाँ भाई 15 वाले देख लो, इस तरीके के डिजाइन है, बहुत बढ़िया बढ़िया फैंसी फैंसी दिए हैं भैया, एक से एक बढ़िया डिजाइन है भाई। 15 वाले, 20 वाले, 25 वाले सभी तरह के मिल जाएंगे। और भैया ये क्या चाहिए, ये जो लगा हुआ है ये चौकड़े हैं, ये चौकड़े कहते हैं इसको। हाँ ये कितने का आता है पर पीस के हिसाब से? ये ₹100 का सेट रहता है, चार का ना। अच्छा ये पूरा सेट जो है ₹100 का है। होलसेल मार्केट है ना, होलसेल की मार्केट है। हाँ हाँ, सिंगल वैसे ले सकते हैं कोई या नहीं? सिंगल में नहीं मिलता है। ठीक है भाई, ये होलसेल की मार्केट है भाई, सिंगल वाला पीस में धनतेरस पे मिलेगा, सिंगल पीस धनतेरस में मिलेगा। और भैया ये जो नीचे जो रखे हो मंदिर है, कौन सा मंदिर? ये ₹100 वाला है भाई, ये ₹100 का मंदिर है भाई। ये देख लो बहुत ही बढ़िया लग रहा है, अंदर लक्ष्मी गणेश जी विराजमान है यहाँ पे, एक नंबर का लग रहा है भाई, बहुत ही अच्छे अच्छे डिजाइन है। आओ थोड़ा सा आगे दिखाते हैं आपको, ये लक्ष्मी जी के पैर हैं ये। हाँ मतलब क्या चीज़ है, लक्ष्मी जी के पैर हैं, लक्ष्मी जी के पैर हैं भाई, देख लो कितने सुंदर सुंदर पैर हैं। ये इसका पीस कितना है? ये ₹25 का, ₹25 पीस है ये। ठीक है जी, और ये क्या चीज़ है? ये शुभलाभ के नहीं, शुभलाभ के स्टिकर हैं भाई, ये देखो शुभलाभ वाले स्टिकर। ये इसका प्राइस क्या है? ये ₹80 का। हाँ जी ₹80 का भाई पीस है, देख लो बहुत बढ़िया पीस है, 50 के 50 है भाई, बहुत ही अच्छी वैरायटी का माल है। आना हो आप आ सकते हो उत्तम नगर में, टेरेकोटा के नाम से शॉप। ये बार शॉप दिखाओ, शॉप का नाम कहाँ पे? हेरिटेज टेरेकोटा। ठीक है भाई, ₹40 से भैया लक्ष्मी गणेश जी का जोड़ा शुरू हो गया भाई, ₹40 मिनिमम मात्र। ये देखो भाई, और ये इनका पूछते हैं भैया से, बड़े वाले का। भैया ये थोड़े से बड़े हैं लक्ष्मी गणेश जी, इनका कितना प्राइस है? ₹160 का भाई ये, देखो कितने अच्छे लग रहे हैं लक्ष्मी गणेश जी के जोड़े, ₹160 है ओनली, बहुत ही बढ़िया। और भैया जो ये ऊपर बड़े हुए लगे हुए हैं गत्तों के अंदर, ये ₹2000 का सेट है भाई लक्ष्मी गणेश जी का। कितने का भैया? कितने? 1.5 फिट का भाई साइज है इनका, ऊपर देख लो लक्ष्मी गणेश जी का सेट है, ₹2000 का सेट है भाई, बहुत ही अच्छा फील आ रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है ये। और ये देखो भाई कितनी सारी सुंदर सुंदर, ये देखो डेकोरेटिव आइटम है सजाने की, ऊपर जो है बत्ती लगा के जो है मतलब एक दिए के रूप में बना सकते हो इसको, बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये देखो भाई शुभ लाभ जो आप गेट के बाहर लगा सकते हो, ये देखो शुभ लाभ, क्या बात है, बहुत ही अच्छा। ये देखो भैया ये क्या चीज है? ये हैंगिंग वाला भाई, डोर के बाहर लगा सकते हो, इसमें कैंडल वगैरह भी जला सकते हैं ना, दिया या कैंडल दिया रख सकते हैं भाई। ये भैया कम से कितने प्राइस का? ये 100 का भाई, बहुत ही अच्छा सुंदर डेकोरेटिव आइटम है, बाहर आप लटका सकते हो गेट के बाहर, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। ये देखो भाई बहुत ही एक से एक चीज है भाई, ये देखो डेकोरेटिव आइटम, देखो डेकोरेटिव आइटम अपने टीवी के आगे, शेल्फ के आगे कहीं भी लगा सकते हो डेकोरेशन के लिए। ये देखो कितना सारा मतलब डेकोरेशन का आइटम रखा हुआ है, ये देखो बहुत ही अच्छा। ये देखो एक से एक भाई आप मार्केट में आ सकते हो और पता कर सकते हो कि भाई क्या क्या प्राइस हैं, बहुत चीज़ें हैं, सबके प्राइस हम वीडियो में नहीं बता पाएंगे, लेकिन ₹80 का बॉक्स है भाई ये, आ सकते हो आप यहाँ पे लेने के लिए इसको। चलते हैं आपको दिखाते हैं, आओ पूरी पूरी मार्केट में देखो भाई कितना अच्छे अच्छे वो लगे हुए हैं, कितने बढ़िया बढ़िया जो है डेकोरेटिव आइटम लगे हुए हैं। आओ आगे चलते हैं, दिखाते हैं आपको आगे। चलो भाई पड़ेगा आपको ₹55 का ये वाला पड़ेगा भैया, बहुत ही अच्छा आइटम है भाई,
बहुत ही बेहतरीन। और भैया ये वाला जो शंडलर है कितने का पड़ेगा? 180 रुपीज का भाई, सिंगल पीस है 180 रुपीज का। ये देखो भाई, ये सारे जो है 180 वाले पीस है, बहुत ही अच्छे लुक लग रहे हैं। और भैया जो छोटे छोटे डेकोरेटिव आइटम है, क्या ये मतलब गुल्लक है ये भाई? ये देखो इस प्रकार के गुल्लक देखो भाई, कितने का प्राइस है भैया? 100 रुपीज का प्राइस है। बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही बढ़िया, एक नंबर का। ये देखो कितनी सारी गुल्लक है भाई, इधर देख लो, छोटी छोटी ऑलमोस्ट 100-120 वाली है। ये देखो ये भी गुल्लक है, छोटी छोटी डोरेमोन वाली। ये देखो छोटी छोटी एक से एक गुल्लक लगी है भाई। 150 रुपए का 6 पीस का पैकेट है भाई। और ये वाले जो छोटे छोटे दिए हैं, ये वाले कितने के हैं? 6 रुपए का एक पीस है भाई, जो हम ज्यादातर लोग दिवाली पे जलाते हैं, बड़े वाला दिए जिसको कहते हैं। और ये थोड़े से छोटे हैं बेटा, ये वाले कितने के हैं? 4 रुपए का पीस है भाई, छोटे छोटे दिए जो है। और इसको क्या कहते हैं? पुलिया है। ये कितने का पैकेट है? ये 100 रुपए का पैकेट है, 10 पीस का भाई। 100 रुपए का पैकेट है कुलिया का, 10 पीस का, और बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। और ये डेकोरेशन का आइटम है, ये क्या क्या है? ये 80 रुपए का पीस। क्या चीज है? कबूतर, मतलब हर डेकोरेशन के लिए है ये भाई। देखो कितनी अच्छी कला की हुई है कबूतर की, 80 रुपए का पीस है भाई। और जोड़ा कितने का मिलेगा इसका? 80 रुपए का जोड़ा का सर, 40 रुपए का सिंगल है, 80 रुपए का जोड़ा है भाई। ये देखो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और जो ये छोटे वाला जो मोर है, ये 60 रुपए का जोड़ा है भाई मोर का, कितना अच्छा लग रहा है भाई। ये देखो क्या बात है। तो भाई ये देखो एक से एक जो है छोटे छोटे जो है भगवान की मूर्ति बनाई हुई है। और इस सजाने का डेकोरेशन आइटम देखो ऊपर की तरफ, ये कितने कितने वाले हैं डेकोरेशन के आइटम? ये 60 रुपए का जोड़ा है, ये 60 रुपए का है, ये 70 रुपए का है, ये 70 का है, और वो 80 रुपए का भाई। देख लो कितना अच्छा लग रहा है भाई, बहुत ही बढ़िया। कैसी लगी आपको इतनी अच्छी अच्छी दियो की जो है कलाकृति? छोटे छोटे दिए, कितने अच्छे अच्छे दिए, और कितने लोग इतनी मेहनत से बनाते हैं भाई। तो इसलिए 5-10 रुपए का मोल भाव मत किया करो भाई, ले लिया करो, क्योंकि हमारे कुमार भाई इतनी मेहनत करते हैं। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।